तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे बचा लो। मुझे बचाना और सजा देना ही नहीं मालूम है। मैं त्रिमूर्ति की तरह पैदा भी करता हूँ, पालन पोषण भी करता हूँ और वक्त आने पर उसे खत्म भी करता हूँ। फिर भी आपसे एक विनती है, नेताओं के सफेद पोशाक ने हमें भी इस समाज में आगे आना है। ओह, आप तो जानते हैं मैं गांधीवादी हूँ। नमक सत्याग्रह और अन्य सत्याग्रह में मैंने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के हिस्सा लिया है। मैं अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम जैसे चोरों का साथ कभी नहीं दूंगा। सच्चाई का नारा लगाकर तुझे क्या मिला, बोल। इतना ही नहीं, इस देश ने तुझे क्या दिया? लाखों मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखो, आप जैसे महान देशभक्त से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। हमारे जैसे लोगों के मेहनत से कमाए गए पैसों से ही तुम्हारे नेताओं की गाड़ी, बंगला, यहाँ तक के पहनने वाला कपड़ा भी खरीदा जाता है और उनके चमचों का भी। तुम्हारे वोट पाने के बाद जो नेता बन के गुंडागर्दी, आतंक और अत्याचार वो लोग करते हैं, उसका 10% भी हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारे पास ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं है। क्योंकि तुम्हारे उन नेताओं को हराम का खिलाने के लिए हमें पैसा जो इकट्ठा करना होता है। ये अपने आप को गांधीवादी बता रहा है, सब गलत है। ये नालायक नेताओं का चमचा है। उस जंगल राज का जो तुम्हारा सरदार है, वही हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम उसका क्या, उसकी माँ का भी विश्वास नहीं करते। बोलो, तुम हमारा साथ दोगे नहीं, वरना तुम्हारी लाश भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। मेरा विश्वास अटल है। तुम लोग तोप के सामने रखकर मुझे गोले से भी उड़ा दो, तब भी मेरा विश्वास नहीं टिका सकते। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मारो। सीएम आ गए। आ रहा हूँ। और सुनो, इसके मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जिस तरह पापड़ सेकते हैं, उसी तरह इसकी सिकाई करो। चलो। नमस्ते, आइए आइए, आप तो ईद का चांद हो गए। अरे भाई, ये मेरा पैदाइशी गांव है। बड़े दिनों के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। इतना ही नहीं, इस राजनीति में सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रेस वालों का, टीवी वालों का, सवालों का जवाब देते देते जीना दुभर हो गया है। आप कैसी हो बहन जी, ठीक हो? जी हाँ। ये गोविंद की पत्नी है ना? जी हाँ। अच्छा, इस वक्त ये एक खास पोजीशन में है। हाँ। नेता जी ने हार खरीद कर इसे तोहफे में दिया है। आपको याद है? हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आइए अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, हम लोग यहीं आराम से बाहर बैठकर बातें करेंगे, तो फिर चलें। हाँ हाँ, आप लोग यहीं रुकिए। सच्चाई से बात करो तुम। अपने अंदर के राजनेता को छोड़ दो, मैं तुमसे एक आम आदमी की तरह ही बात करूंगा। अरे मेरे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे सुनो, नेताजी क्या कह रहे हैं? सर पर ताज पहनकर राजा बनने का कोई फायदा नहीं है, जनता के सामने बंदर की तरह और एमएलए लोगों की ख्वाहिश पूरा करने के सिवा। आज तक मैं कुछ खास कर पाया हूँ क्या? ज्यादा देशभक्ति की जरूरत नहीं, लोगों की जरूरत का काम पूरा हो जाता है, इतना काफी है। वो हमें वोट देते हैं, फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए हम लोग है ना मालिक बनकर। कोई कुछ भी कर ले, आने वाले इलेक्शन में वोट हम ही हासिल करेंगे। कोई कुछ भी कर ले, आने वाले इलेक्शन में वोट के साथ साथ लोगों का विश्वास भी हम जीतेंगे। ओ जंगल राज, क्या तुम्हें पता है, एक बात बताऊं, तुम्हारे आपस के झगड़े की वजह से उस कमिश्नर को हमें सस्पेंड करना पड़ा। उसे सस्पेंड नहीं करना था, बल्कि लात मारनी थी। मेरे साथ खेल खेल रहा था वो कमिश्नर। भाई, सुना है नई कमिश्नर कोई लेडी है? अच्छा, कौन है? पूरी दिल्ली को हिलाकर रखने वाली उस देवी का नाम नहीं सुना? वो है श्रीदेवी। उसका पहला पोस्टिंग यहाँ है, वो केरला में आ रही है। अब वो देवी हो या देवता हो, चार्ज लेने से पहले मेरे बारे में उसे समझा कर उसे मेरे फेवर में करना होगा। और इस काम में आपकी मदद चाहिए मुझे। मुख्यमंत्री और मंत्री को छोड़कर चाहे वो कोई भी पुलिस वाला हो, भाई को देखते ही सलूट करे, यही भाई की इच्छा है। इसका मतलब मुख्यमंत्री और मंत्री को बनाने वाला मुकुंदन है, ये प्रेस वाले कहते हैं। क्यों, ये सच नहीं है क्या? वैसे आप भी इसे झुठला नहीं सकते। अरे नहीं, मेरे मालिक मैं मान गया, तुम ही प्यारे मालिक हो। सुनो, 12 बजे मुझे घर पहुंचना है और माँ के हाथ का बना हुआ खाना भी खाना है, इसलिए मैं चलता हूँ। अरे, ये खाने पीने के लिए ही तो आपको हमने चुना है। वैसे हमारे घर में भी किसी बात की कमी नहीं है, क्यों गोविंद? तो फिर नए कमिश्नर को मेरी जेब में करने का इंतजाम किसी भी तरह आपको करना होगा। जैसा कि लोग कहते हैं, वो झांसी की रानी है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ओके, अच्छा अच्छा।
मेरा मुंह बंद करने के लिए तुम लोग नोटों का सूटकेस मेरे मुंह पर मारोगे, मुझे यकीन था। मुझे मिल गया। थैंक यू। बोलो भारत माता की जय। अरे